ये बात भोपाल के होटल के कमरा नंबर 303 की है। जो भी इस कमरे में आकर रहता है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ही बदल जाती है। इस होटल से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी जिसमें एक घर का नंबर था 303। इस घर में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में टोटल 5 मेंबर थे। सभी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक दिन इस परिवार की खुशियों में दाग लग गया। यानी कि एक दिन जब ये सब बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे, तब कुछ चोर इनके घर में घुस गए। लेकिन चोरों द्वारा आवाज़ होने पर जब ये लोग उठे तो चोरों ने इन सब को एक एक करके हत्या कर निशाना बनाया और सभी को मार डाला। ये सब लोग तो मर गए, लेकिन इस अकाल मृत्यु के कारण इनकी आत्मा इसी घर में ही कैद हो गई। काफ़ी समय तक तो ये घर सुनसान ही बंद पड़ा रहा, लेकिन लगभग 30 साल बाद किसी बिल्डर ने इस जगह को खरीद लिया और यहाँ पर फ्लैट बना दिया। उस बिल्डिंग में एक फ्लैट का नंबर था 303, जो कि उस घर का नंबर था जिसके सभी लोगों का कत्ल कर दिया गया था। अब फ्लैट एक मोहन नाम के आदमी ने खरीद लिया। उसके साथ उसकी वाइफ आशा और एक छोटा सा बेटा राजा था। लगभग 3 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था मोहन की लाइफ में, लेकिन एक रात ऐसी आई जब उन्हें उस फ्लैट की सच्चाई के बारे में पता चला। रात के करीब 1 बजे होंगे। आशा को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गई। जब वो किचन से पानी पीकर वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि उसका बेटा राजा अपने बेड पर नहीं था, बल्कि बालकनी में उसकी दीवार पर खड़ा था और वो भी बिना किसी सहारे के। आशा एकदम से चिल्लाई, राजा। तभी अचानक से मोहन की आंख खुल गई तो वो भी भागकर वहां आ गया और देखता क्या है कि उसका बेटा बालकनी की दीवार पर खड़ा है और नीचे कूदने को तैयार है। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वो राजा की आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। मोहन धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ा और तुरंत ही उसे एकदम से पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। वो उसे दंत रहे थे, लेकिन राजा उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसके अंदर राजा नहीं बल्कि वह प्रेत की आत्मा थी जो कि उससे वो काम करवा रही थी। अगले दिन फिर वही हुआ और उसे राजा को फिर से खोदने से बचा लिया गया। अब आशा को लगा कि कुछ बात जरूर है, जो उसने तुरंत ही एक बाबा को अपने घर पर बुलवा लिया। साधु बाबा ने घर पर तुरंत जांचा तो पता चला कि ये घर यानी कि फ्लैट शापित है। जो काम राजा कर रहा है वो खुद नहीं बल्कि उससे करवाया जा रहा है। अब तो मोहन और आशा को बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। वो साधु बाबा से पूछने लग गए कि ये आखिर कौन है जो मेरे बेटों को परेशान कर रहा है और आखिर चाहता क्या है। तब बाबा ने उन्हें सब बात बताया कि ये वो हैं और इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था। साधु बाबा ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत ये फ्लैट छोड़ के यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बचेगा और तुम्हें भी बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो फिर अगले ही दिन मोहन और आशा अपने बेटे को लेकर इस फ्लैट को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।